नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पौष्टिक और हेल्दी लड्डू, जिन्हें आप सर्दियों में कभी भी बना के खा सकते हैं। तो इन्हें हम बिना चीनी, बिना घी और बिना गुड़ के ही बनाएंगे। बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी बनकर तैयार होंगे। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन सामान की हमें ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, कोई भी कढ़ाई या पैन आप ले सकते हैं। और एक कटोरी हमने यहाँ पे मखाने डाले हैं। आंच को हम धीमा ही रखेंगे और धीमी आंच में हम मखानों को भून लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही हमारे मखाने भूनकर तैयार हो जाएंगे और ये हल्के से कुरकुरे हो जाएंगे। तो इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और फिर से हम पैन को रख देंगे और आंच को हम धीमा ही रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप बादाम। और अगर हम कप से नापें तो ये 1/2 कप हैं। इन्हें भी हम धीमी आंच में इसी तरह लगातार चलाते हुए भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट बाद हम साथ में डाल देंगे काजू। तो इन्हें भी हमने 1/2 कप लिया है और इसी तरह से अब हम इन्हें भून लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद काजू और बादाम हल्के से भून जाएंगे, इनकी नमी दूर हो जाएगी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और सारी चीज़ों को ठंडा करने रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक जार ले लिया है और मखानों को हमें पीस लेना है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, हल्के से दरदरे टाइप के हम इसे पीस लेंगे। और मखानों को हमें इसी तरह से पीस कर एक प्लेट में निकाल लेना है। ये हल्के दरदरे हैं, ज़्यादा महीन नहीं किया है हमने। अब हम इसी जार में फिर से हम काजू और बादाम भी पीस लेते हैं। उनको भी हम हल्का दरदरा रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। और काजू बादाम हमें ठंडे होने पर ही पीसना है, गरम में नहीं पीसना है। और देखें, इन्हें भी अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और जो बादाम के टुकड़े रह गए हैं तो उनको हम निकाल कर चाकू की सहायता से कट कर लेंगे या फिर मिक्सी के जार में हम दोबारा से डालकर इन्हें पीस लेंगे ताकि जो रह गए हैं वो भी पीस जाएँ। और फिर से हमने यहाँ पर जार ले लिया है और पिंड खजूर लिए हैं हमने 250 ग्राम, ये लगभग 1 कप हैं। और इनके हमने बीज निकाल दिए हैं। इसी तरह से हमें खजूर को लेना है। खजूर के साथ हम 1 कप पानी मिला देंगे और पानी डालकर इन्हें पीस लेंगे। इनका हमें महीन पेस्ट बनाना है, ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी भी हम इसमें डालेंगे और इसे महीन पीस लेंगे। और देखें, इसका एक पेस्ट बन के तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया पेस्ट बना है। तो इसी तरह का पेस्ट बना के हमें लेना है लड्डू के लिए। और इन्हें निकाल लेंगे एक पैन में। पैन में निकालने के बाद अब हम चलेंगे गैस पर इसे पकाने और धीमी आंच में हम इसे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। और देखेंगे जब तक इसमें से बबल्स ना पड़ने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। 5 से 7 मिनट बाद देखेंगे हल्का सा ये पक गया है और इसमें से हल्के हल्के से बबल्स पड़ने लगे हैं। और इस तरह से ये बबल्स पड़ने शुरू हो गए हैं। इसके बाद भी हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे ताकि ये और भी अच्छी तरह से थिक हो जाए और बहुत ही बढ़िया पककर तैयार हो जाए। आंच को हम धीमा ही रखेंगे, तेज आँच में हमें बिल्कुल इसे नहीं पकाना है। और देखें, ये थिक हो गया है और इस तरह से हम देखें इसका सारा पानी जल गया है, बहुत ही सूखा और थिक दिखने लगा है। अगर हम कंबाइंड कर रहे हैं तो ये हल्का सा देखें कंबाइंड हो रहा है। इसे अब हम इतना ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे और इसे हमने इस तरह से फैला कर ठंडा करने के लिए रख देना है। और ठंडा होने के बाद इस तरह से हम चेक कर लेंगे ये ठंडा हो गया है कि नहीं। उंगली से हमने इसे चेक कर लिया है, ये ठंडा हो गया है। तो पिसे हुए मखाने हम इसमें मिला देंगे और काजू और बादाम भी मिला देंगे और सारी चीज़ों को मिलाकर हम देखेंगे लड्डू बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई हैं। और बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और लड्डू बनाना शुरू कर देना है। अगर आपको लगे हमारा बैटर बहुत गीला है, ये इस तरह से सूखा नहीं हुआ है, तो आप इसमें थोड़े से मखाने भूंज कर पीस कर और मिला सकते हैं।
वैसे तो जैसे हमने बताया है तो लड्डू बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें आप इसी हिसाब से लेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी लड्डुओं को बनाने में। हाथों को आप ग्रीस कर लेंगे और लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। ग्रीस करना हाथों को बहुत ज़रूरी है, तो हल्का सा तेल या घी आप ज़रूर हाथों पर लगा लें। और लड्डू बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं पड़ेगी और अच्छे से इन्हें चिकने भी कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया ये चिकने हो जाएंगे। तो बन गए ना हमारे पौष्टिक और हेल्दी लड्डू। इसी तरह हम बाकी के लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नई नई रेसिपी के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको।